Hello student, I am Rupesh Kumar Gaur, lecturer in Mechanical Engineering Department, Government RC Khetan Polytechnic College, Jaipur. अब बात करेंगे lightweight and light wave interference के बारे में जो ME 209 का टॉपिक है. सबसे पहले देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या है इंटरफेरेंस का. ठीक है, फॉर द इंटरफेरेंस टू अकर द टू लाइट मस्ट बी कोहेरेंट, एक जैसी होनी चाहिए, सुसंगत होनी चाहिए. इसे इट इज़ प्रॉपरली ओनली वैन द टू रेज आर ऑर्गेनाइज फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द लाइट सोर्स एट द सेम टाइम. ये कब हो सकती है, जब हमारा जो सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, सेम पॉइंट होना चाहिए, है ना, एट द सेम टाइम होना चाहिए. म्यूचुअल इंटरफेरेंस अकर वैन टू रेज विद द सेम वेवलेंथ एट मीट एट सेम पॉइंट. द नेचर ऑफ द इंटरफेरेंस विल डिपेंड अपॉन द फेस ऑफ द टू वेव्स एट देयर मीटिंग. किस तरह का इंटरफेरेंस हो रहा है ये डिपेंड करेगा कि आपके किस की मीटिंग पॉइंट पे वो कैसे मिल रहे हैं. ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि जब आपकी इंटरफेरेंस होगा और इंटरफेरेंस के अंदर वेव जब होंगी वो इन फेस होंगी, लाइक इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके की अगर होंगी तो क्या होगा कि ये जो दोनों वेव्स हैं, ये दोनों वेव्स क्या हो जाएंगी, आपकी आपस में जुड़ जाएंगी. ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका पीक है, पीक से मिल रहा है, इसका जो रूट है वो रूट से मिल रहा है, देन पीक है वो पीक से मिल रहा है, रूट एंड रूट, ये क्या है, सेम फेस है. इस सेम फेस होने के कारण क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगी, आपकी आपस में जुड़ जाएंगी. ओके, देन उसके बाद में क्या होगा, आपस में जुड़ जाएंगी तो ये जो जब जुड़ेंगी तब क्या होगा कि ये यहाँ ये जो फ्रिंज जो प्रोड्यूस करेगी, ये करेगी आपकी ब्राइट फ्रिंज को प्रोड्यूस्ड करेगी. ठीक है, इसी तरह से अगर कोई दो वेव आउट ऑफ द फेस हो, आउट ऑफ द फेस मीन्स इस तरीके से, अगर ये वेव आउट ऑफ द फेस हो, देखिए इसका जो रूट है वो इसकी पीक से मिल रहा है. ठीक है, तो इस तरह क्या होगा, रूट वैल्यू रूट पीक को कैंसिल आउट कर देगा, तो ये हमको जो प्रोफाइल मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, एक दूसरे को माइनस कर देगा, इन दोनों की इंटेंसिटी एक दूसरे को माइनस कर देगा, तो इससे जो हमको स्पॉट मिलेगा वो स्पॉट मिलेगा हमको डार्क स्पॉट. तो इस तरीके के जो इंटरफेरेंस होता है उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इस तरह का जो इंटरफेरेंस होता है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अब देखते हैं कि इंटरफेरोमीटर हमारा क्या होता है. इंटरफेरोमीटर इज अ डिवाइस एम्प्लॉयड इन द स्टडी ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस बाय द वेरियस सोर्स ऑफ लाइट. इंटरफेर क्या होता है, आपका एक डिवाइस होता है जो कि इंटरफेयर पैटर्न को स्टडी करता है, प्रोड्यूस करता है, ओके, तो वेरियस लाइट सोर्स. दे आर कॉमनली डिवाइड इंटू टू पार्ट, दो पार्ट के अंदर होता है. पहला होता है आपका वेव फ्रंट डिवीजन इंटरफेरोमीटर, और दूसरा आता है आपका एम्पलीट्यूड डिवीजन इंटरफेरेंस. वेव फ्रंट डिवीजन इंटरफेरेंस, जैसे आपको वेव्स के लिए नाम से ही लग रहा है कि जो वेव्स निकलती हैं लाइट से उसको हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं. ठीक है, लाइक इस तरीके का लाइट वेव्स होंगी, ये लाइट वेव्स निकल रही है, एक छोटा सा होल है उसमें से आपकी ये जो लाइट है वो पास हो रही है, तो इस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है उसका पैटर्न. देन उसके बाद में जो वो लाइट है वो वापस से हमने क्या करी, दो छेदों से प्रोवाइड करी, दो छेदों से पास करवाई, तो जो लाइट वेव्स का जो पैटर्न आया वो हमारा कुछ इस तरीके से आया. ठीक है, जो फ्रिंज प्रोड्यूस होंगी वो इस वाले पर्दे पे होंगी. ठीक है, देन एम्पलीट्यूड डिवीज़न के अंदर क्या होता है, एम्पलीट्यूड स्प्लिटेड इंटरफेरेंस यूजेस एज द पार्शियल रिफ्लेक्टर. इसके अंदर क्या करते हैं, हम ये पार्शियल रिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं टू डिवाइड द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव इंटू टू सेपरेट वेव विच आर सेपरेटेड एंड रिकम्बाइंड. तो क्या करते हैं हम कि जो रिफ्लेक्टर होता है, पार्शियल रिफ्लेक्टर होता है, उससे क्या एम्पलीट्यूड हमारा
जो रेज इस पे पड़ेगी वो क्या होगी, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगी। फिर जब ये वापस रेज लौटेंगी, ठीक है, कोहरेंस के लिए, ठीक है, तो ये रिकम्बाइन यहाँ पे होती हैं। तो ये होता है हमारा एम्पलीट्यूड वेव डिवीज़न। अब बात करेंगे हम एनपीएल फ्लैटनेस इनफेरोमीटर की। एनपीएल फ्लैटनेस जो इनफेरोमीटर होता है वो यूज़ किया जाता है फ्लैटनेस ऑफ एनी सरफेस या फ्लैटनेस ऑफ फ्लैट सरफेसेस। ये डिज़ाइन किया गया था नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी के थ्रू द्वारा, इसलिए इसका नाम एनपीएल पढ़ा गया है। और ये मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है विल्कर एंड वॉट्स लिमिटेड के द्वारा कमर्शियली। द फ्लैटनेस ऑफ द सरफेस इज जज एनी सरफेस इज जज्ड बाय कंपेयरिंग विद एन ऑप्टिकल फ्लैट सरफेस। ये ऑप्टिकल फ्लैट सरफेस से कंपेयर करके दिया जाता है, विच इज जनरली द बेस प्लेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो कि बेस प्लेट होती है इंस्ट्रूमेंट की। द इंस्ट्रूमेंट एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ अ मर्करी वाटर लैम्प, ये होता है इसका मर्करी वाटर लैम्प, ये होता है इसका मर्करी वाटर लैम्प इज शोन इन फिगर। इसमें क्या होता है, एक सिंगल मोनोक्रोमिक लाइट आपकी निकलती है, ये सिंगल मोनोक्रोमिक लाइट आपकी इसको निकालता है। एंड ये फिल्टर क्या होती है, देन उसके बाद में ये फिल्टर होती है ग्रीन फिल्टर के थ्रू। द वेवलेंथ ऑफ द रिजल्टिंग मोनोक्रोमिक रेडिएशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.0005 mm। दिस रेडिएशन इज देन ब्रॉक टू द फोकस ऑन द पिन होल इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द इंटेंस पॉइंट ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। द मिरर यूज्ड इन ऑर्डर टू डिफ्लेक्ट द लाइट बीम थ्रू 90 degree, ठीक है, 90 degree से इसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। रेडिएशन इज देन ब्रॉक टू द फोकस ऑन अ पिन होल। पिन होल पे क्या कर देते हैं हम लोग, इसको फोकस करें ऑर्डर टू ऑब्टेन द इंटेंस पॉइंट ऑफ सोर्स। द मिरर इज यूज्ड टू ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट द लाइट एट 90 degree। ये जो होता है हमारा रिफ्लेक्टर होता है, ये क्या होता है, बीम को 90 degree पे आपकी रिफ्लेक्ट करता है। द पिन होल इज प्लेस्ड इन द फोकल प्लेन ऑफ द कॉलिमेटिक लेंस, दस द रेडिएशन of this lens is parallel beam of the light. This beam is directed to the gauge is to be tested via a optical flat. अब पिन होल से अब क्या करते हैं, या ये रिफ्लेक्टर से, ये जो यहाँ पे कॉलोमेटिक लेंस होता है, कॉलोमेटिक लेंस क्या करता है, जो रेज है उनको पैरेलल कर देता है एक दूसरे के। देन ये जो रेज होती हैं ये किस पे जाती है, आपकी ऑप्टिकल फ्लैट से होती है, आपकी बेस प्लेट पे गिरती है, जहाँ पे आप मेज़र करते हो, जहाँ पे आप कंपेयर करते हो ऑप्टिकल सरफेसेस को, जो भी आपको सरफेस मेज़र करनी है उसके। द फ्रिंजेस आर फॉर्म आर व्यू डायरेक्टली अबव बाय मीन्स ऑफ थिक ग्लास प्लेट सेमी रिफ्लेक्टर एट द सेट 45 degree टू एन ऑप्टिकल एक्सिस। यहाँ से आप इसमें देख सकते हो कि आप किस तरीके से इसका, किस तरीके के आपके फ्रिंजेस प्रोड्यूस हो रही हैं। द गेजेस इज टू बी टेस्टेड, जो भी गेज है वो आप क्या करते हो, यहाँ पे इस तरीके से बेस प्लेट पे इसके ऊपर यहाँ पे रख देते हो, जिसके आपको फिनिश टू बी कंपेरेबल दैट द हाईएस्ट डिग्री क्वालिटी गेज, जिसको आप क्या करते हो, हायर डिग्री क्वालिटी गेज से आप इसको कंपेयर करते हो। हम नेक्स्ट देखते हैं कैसा कैसा प्रोफाइल जनरेट होगा। इफ़ द गेज फेस इज फ्लैट एंड पैरेलल टू द बेस प्लेट, जो गेज है उसका जो फेस है वो फ्लैट हो और पैरेलल टू द बेस प्लेट हो, ठीक है, देन द ऑप्टिकल फ्लैट रेंज इक्वली इंक्लाइन टू द बोथ सरफेस। अब एक चीज़ हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। अब जब हम भी जब ये जो ऑप्टिकल फ्लैट है, ये ऑप्टिकल फ्लैट जब कुछ टिल्डेड होगा तभी इसके अंदर जो फ्रिंजेज हैं वो प्रोड्यूस्ड होंगी। अब देखते हैं यहाँ पे, इफ़ द गेज, अब क्या था हमारा, जो गेज फ्लैट है अगर वो बेस के बिल्कुल पैरेलल होगा तो ऑप्टिकल फ्लैट से जो हमारी फिंजेस बनेंगी वो क्या बनेंगी, वो एक दूसरे के पैरेलल आपको स्ट्रेट होंगी, इक्वली स्पेस्ड होंगी और पैरेलल एक दूसरे की होंगी, जैसे कि हमारे फर्स्ट फिगर के अंदर ये
दिख रहा है इस तरीके से, इक्वली स्पेस्ड है, पैरेलल है एक दूसरे के। व्हेन द गेज इज़ फ्लैट बट नॉट पैरेलल टू द बेस प्लेट, फ्लैट हो पर पैरेलल नहीं हो, देन द स्ट्रेट एंड पैरेलल फ्रिंज इज डिफरेंट पिच अबव द गेज। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पिच के, ये देखिए ये जो फर्स्ट केस था उसके अंदर तो जो इक्वली था बिल्कुल बेस प्लेट और इसके, अब ये क्या होगा अलग अलग पिच की होंगी, लाइक जैसे पास पास नज़र आ रही है और जो हमारा बेस है वो हमारी नाले हैं जो थोड़ा डिस्टेंस पे नज़र आ रही है, दैट इज बी। ठीक है, इन केस टेपर इज प्रेजेंट इन द सम अदर डायरेक्शन, किसी और डायरेक्शन के अंदर द सरफेस ऑफ द गेज इज इंक्लाइन टू द बेस प्लेट एट द सेम सम अदर एंगल, देन द फिश पैटर्न विल बी शोन इन सी। इस तरह से हमको ये पैटर्न हमारा मिलेगा। व्हेन द सरफेस गेज इज कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स और कॉनकेव, देन द फ्रिंज पैटर्न विल बी शोन इन टी। इस तरह से कर्व सरफेस हमको मिलेगी। इनसाइड राउंडिंग एट द कॉर्नर एंड अदरवाइज जनरली फ्लैट एंड पैरेलल विल गिव द फ्रिंज पैटर्न एज शोन इन डी। ये अगर उसके कॉर्नर्स होंगे वो होंगे आपके राउंडिंग, तो इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम NPL इन्फ्रोमीटर का यूज़ कर सकते हैं कोई भी फ्लैट सरफेसेस को कंपेयर करने के लिए। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।